राइट वे टू टाइप डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को टाइप करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग डिस्क्रिप्शन को सीरियस नहीं लेते हैं। कुछ लोग तो डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे टैग्स को डाल देते हैं और कुछ लोग तो डिस्क्रिप्शन ही खाली छोड़ देते हैं। बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम इसको प्रॉपर वे में यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम व्यूज को इंक्रीज कर ही सकते हैं और साथ ही साथ अर्निंग्स को भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब पैसा भी कमा सकते हैं। इसी के साथ साथ और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ब्रांडिंग कर सकते हैं या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करवा सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन को यूज करके। तो डिस्क्रिप्शन को टाइप करने का राइट वे क्या है, कैसे हम डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर वे में लिखें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो शायद ही किसी ने अभी तक आपके साथ शेयर की होगी। क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू हम प्रोफेशनल वे में अपनी डिस्क्रिप्शन को टाइप कर सकते हैं और अपने व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम क्या है, कैसे वेबसाइट को यूज करना है, सब कुछ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो में आगे जाने से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जहां पे हम अपनी वीडियो के बारे में लिखते हैं, मतलब जो भी आपने वीडियो बनाई है उसके बारे में आपको तीन चार लाइंस लिखनी है अपने डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपका पहला पार्ट खत्म। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जहाँ पे हम लिंक्स को ऐड ऑन करते हैं। लिंक्स जैसे कि हो गया इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, फेसबुक आईडी का लिंक हो गया, एप्लीकेशन का लिंक हो गया, वेबसाइट का लिंक हो गया या आपकी अपनी किसी वीडियो का लिंक हो गया। तो दूसरे पार्ट में हम लिंक्स को ऐड ऑन करते हैं। तीसरा पार्ट होता है जहाँ पे हम क्यूरी सॉल्व को, टैग्स को या हैशटैग्स को ऐड ऑन करते हैं। तो इन तीनों पार्ट्स को मिला के हम एक प्रॉपर वे में अपनी डिस्क्रिप्शन को टाइप कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे लिखना है वही मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बढ़ते हैं अपनी पीसी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट के बारे में बताया जहाँ पे हम टाइप करते हैं अपनी वीडियो के बारे में, मतलब अबाउट अवर वीडियो, तो इस चीज़ को लिखना काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है क्योंकि इन्हीं चार लाइंस के थ्रू हमारी वीडियो के बारे में पता लगता है कि हमारी वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है और इन्हीं चार लाइंस के थ्रू हमारी पूरी वीडियो का निचोड़ निकलता है। तो अब इसको टाइप कैसे करना है, अगर हम इसको एक टूल के थ्रू लिखें तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, बट अगर हम इसको पर्सनली खुद लिखें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये चार लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि आधे ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं और इतना प्रोफेशनल भी नहीं लगता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप 2-3 मिनट में एक प्रोफेशनल वे में अपनी डिस्क्रिप्शन को टाइप कर सकते हो। वेबसाइट का नाम क्या है, writer.me के नाम से। तो फिलहाल मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, कुछ इस टाइप की वेबसाइट है, किसी ने अभी तक शेयर नहीं की होगी, फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ। शायद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आने वाले हैं, जिसको पता होगा वो लोग बोलेंगे क्यों बताई लोगों को, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल वेबसाइट है यार। तो मैं इसलिए सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके। तो यूज़ कैसे करनी है, सिंपली आपको स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो सबसे पहले साइन अप कर लेना थ्रू इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी के। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर बैक पे क्लिक करते हैं, एक बार इस पर कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड पे मैंने काफ़ी सारे अपने जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से उठाई हुई है, कॉपी पेस्ट की हुई है डायरेक्टली। तो यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है, टोन मतलब किस टोन में आप लोगों को बताना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। फिलहाल इन्फॉर्मेटिव सबसे बेस्ट होता है, बाकी फनी वगैरह और भी काफ़ी सारे हैं, जॉयफुल पैशनेट, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद केस सिलेक्ट करना है कि मैं आपको किस चीज़ के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन चाहिए, काफ़ी सारी इसमें सारी चीज़ें हैं, मतलब मैसेजेस का रिप्लाई करना, क्वेश्चन आंसर, प्रोफाइल बायो, काफ़ी सारी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे हमने सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है, मतलब जो भी आपने वीडियो बनाई है उसका टाइटल आपको डायरेक्टली इधर पेस्ट करना है। तो मैं जैसे कि वीडियो बनाई है हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मान लो आपने ये वीडियो बनाई है, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा राइट फॉर मी का, उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डिस्क्रिप्शन रेडी होके आ चुकी है। देख सकते हो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है उन्होंने, इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल फ्रॉम 0 to 1000 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट अ फ्यू वीक्स विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑन एनीथिंग एल्स। यू विल लर्न 3 secrets दैट हैव वर्कड फॉर मी एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल टू ग्रो फ्रॉम 0 to 1000 सब्सक्राइबर्स। देख सकते हो कि आप एक परफेक्ट टाइप में से डिस्क्रिप्शन हमको लिख के दे चुकी है, जो कि हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करनी है, कॉपी की, ठीक है, कॉपी की, उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे हमारा जो पहला काम है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है लोगों को और मुझे भी टफ लगता था पहले, ठीक है, क्योंकि जब हम एक बिगिनर होते हैं तो इस चीज़ को भी लिखना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऊपर से जब इंग्लिश में लिखना पड़े तब बिल्कुल ही बस हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इस वेबसाइट में कि आप एक दिन में सिर्फ 10 या 15 बार ही यूज़ कर सकते हो इस वेबसाइट को, उससे ज़्यादा करोगे तो आपको पेड मेथड को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से एक भी काफ़ी होता है यार, हम एक दिन में एक भी वीडियो डालें तो एक ही बार डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे करके हमने अपने पहले पार्ट को कंप्लीट करना और प्रोफेशनल वे में अपने डिस्क्रिप्शन को टाइप करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जहाँ पे हमने ऐड ऑन करना है लिंक्स वगैरह को। तो उसके लिए मैं आपको एक अपनी बता देता हूँ कि मैं कैसे डिस्क्रिप्शन को टाइप करता हूँ, ठीक है। पहला पार्ट तो आपको पता चल गया, अब दूसरा पार्ट है लिंक्स आपका। लिंक्स में हम जैसे
जैसे कि आपने किसी वेबसाइट या टूल के बारे में बताया, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी बेस्ट टूल्स के बारे में, तो लिंक्स में ऐड ऑन करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन को टाइप किया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद हमने लिंक्स को ऐड ऑन कर दिया, लिंक्स लिखा एक अलग से पॉइंट, उसके बाद हमने फर्स्ट टूल, सेकंड टूल, थर्ड टूल, फोर्थ टूल, फिफ्थ टूल, ऐसे करके लिंक्स को ऐड ऑन किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपनी वीडियोस का भी सजेशन दे सकते हो, तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस का कुछ सजेशन दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट में अपनी जो कुछ अच्छी वीडियोस हैं उनका सजेशन मैंने डाला हुआ है, मतलब लिंक्स डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिख दिया जो कि मैंने आपको बोला हुआ था। तो यहाँ तक हमारा दूसरा पार्ट जो है खत्म होता है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम और भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि हम अमेज़न एफिलिएट लिंक्स भी डाल सकते हैं जो कि मैंने पहले डाले हुए थे, अब मैंने शायद कैंसिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है, दूसरे पार्ट में हमें सिर्फ लिंक्स को ऐड ऑन करना है। तो उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है जहाँ पे हमने टैग्स को इंसर्ट करना है। टैग्स को कैसे डालना है, मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ है क्यूरी सॉल्ट के नाम से, उसके बाद पॉइंट पॉइंट डाले हुए हैं। तो यहाँ पे हमने उन सब टैग्स को डालना है जो कि ज़्यादातर लोग सर्च मार रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी टूल्स के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया था कि कौन से जो बेस्ट लाइंस हैं जो कि ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं टूल्स के रिलेटेड यूट्यूबर्स पे। तो इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर यूट्यूबर, बेस्ट टूल फॉर यूट्यूबर्स, 5 बेस्ट टूल्स फॉर यूट्यूब क्रिएटर्स, ठीक है। उसके बाद अपने बिजनेस डाला हुआ, मतलब अगर आपको स्पॉन्सरशिप आनी होगी तो यहाँ से लोग ईमेल पढ़ के आपको जीमेल पे मैसेज कर देंगे। उसके बाद मैंने हैशटैग डाले हुए हैं। हैशटैग कैसे डालने हैं, ठीक है, हैशटैग आपने डालना है पहले, उसके बाद आपको एक बेस्ट वो डाल देना, मतलब टाइटल निकालो एक बेस्ट टूल फॉर यूट्यूब क्रिएटर्स, एक सबसे बेस्ट होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल हो और इस पर ज़्यादा ट्रैफिक सर्च मार रही हो, तो इसके थ्रू आपका हैशटैग जो है रैंक हो सके। तो यहाँ पे आपको करना है एक हैशटैग डालना है, और यहाँ पे क्यूरी सॉल्व आप जितनी ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो क्यूरी सॉल्व को सर्च कैसे करना होता है मैं आपको वो भी बता ही देता हूँ। क्रोम पे गए, यूट्यूब पे गए, एंटर किया, उसके बाद हमने सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने वीडियो बनाई है किस पे करें, हाँ, हाउ टू इंक्रीज व्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी सजेशंस मिले हैं तो वो हमें अपने क्यूरी सॉल्व में ऐड ऑन करने हैं, मतलब कि टैग्स वाले सेक्शन पे डाल देने हैं। हाउ टू इंक्रीज ऑन यूट्यूब चैनल, हाउ टू इंक्रीज ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब वीडियोज, हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब गेमिंग चैनल पे, या फ्री में व्यूज को कैसे बढ़ाने हैं, हैक व्यूज, इंक्रीज व्यूज बाय गूगल एडवर्ड्स। तो ये सारे सर्चेबल पॉइंट्स हैं जो कि ज़्यादातर लोग सर्च मार रहे हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी क्यूरी सॉल्व में डालते हो तो आपके व्यूज़ ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। मेरे भी क्यूरी सॉल्व के थ्रू काफ़ी अच्छी वीडियोस जो है रैंक होती हैं, या टैग्स के थ्रू या क्यूरी सॉल्व के थ्रू। तो इसलिए क्यूरी सॉल्व को डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्च मैंने आपको बता दिया कैसे मारना है, सर्च आपको इस चीज़ के थ्रू मारना है। बाकी अगर आपको टैग्स ढूंढने नहीं आते तो टैग्स के लिए भी एक वेबसाइट है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, और चलो इस वीडियो में बता देता हूँ, रैपिड टैब्स के नाम से वेबसाइट है, रैपिड टैग्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा फंबल हो रहा है। तो यूज टूल फॉर फ्री पे आपने क्लिक करना है। काफ़ी सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई भी शेयर नहीं करता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि यार आपका भला हो, सिंपल सी बात कह रहा हूँ, कोई भी नहीं चाहता कि आप अपने चैनल को ग्रो करो। तो इसलिए मैं आपके साथ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो एक लाइक या सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो उसके बाद आपको करना है हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स। वैसे मैं हर बार इसी लाइन को लिखी जा रहा हूँ ना, ये लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई है। सर्च पे क्लिक किया, उसके बाद आपको ये सारे टैग्स मिल जाएंगे जो कि आप अपनी वीडियो में डाल सकते हो, या आप अपने क्यूरी सॉल्व में भी डाल सकते हो, और साथ ही साथ टैग्स में तो डालने हैं, ठीक है। बेस्ट टैग्स आए हैं जो कि ज़्यादातर लोग सर्च मार रहे हैं, सिंपली आपको कॉपी करना है और अपने टैग्स वाले जाके ऑप्शन में पेस्ट कर देना है, या आप फोन में भी कर सकते हो क्योंकि क्रोम ब्राउजर के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। तो यही थी कुछ हमारी आज की वीडियो की, हमें डिस्क्रिप्शन को कैसे टाइप करना होता है प्रॉपर वे में। बाकी writer.me एक अच्छी वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोफेशनल वे में अपनी डिस्क्रिप्शन को डालोगे ना तो सारे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आसपास के लोग देखेंगे बंदा इतनी तगड़ी इंग्लिश लिख रहा है तो यार सही बंदा होगा। तो इसलिए उस वेबसाइट को यूज़ करो। बाकी क्यूरी सॉल्व को कैसे ढूंढना है वो मैंने आपको बता दिया, या तो यूट्यूब सर्च के थ्रू, या तो रैपिड टैग्स एक वेबसाइट है यहाँ से ढूंढ लो। तो यही थी कुछ हमारी आज की वीडियो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार चैनल को, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स करें, और गिव अवे लाते हैं आपके लिए, ठीक है, परफेक्ट गिव अवे लाऊंगा, और ऐसी वीडियोस तो आते ही रहेंगी। टाटा।